हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6। सो चैप्टर नंबर 6 है नाउंस में जेंडर। जेंडर मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। हम ये दो जेंडर आज करने वाले हैं। ओके, सो बच्चों क्या आपको पता है मैस्कुलिन किसे कहते हैं और फेमिनिन किसे कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ बच्चों, मैस्कुलिन हम कहते हैं मेल जेंडर को, मतलब जो बॉयज होते हैं, मैन होते हैं, राइट, मेल जेंडर जो होता है, और फेमिनिन फीमेल जेंडर को, जैसे आपकी कोई सिस्टर हो या मदर हो या ग्रैंड मदर हो, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? फेमिनिन जेंडर के। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यस, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, वर्ड्स विच शो इफ अ पर्सन और एन एनिमल इज मेल आर सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। सो एक पर्सन या कोई एनिमल जो मेल होता है, ओके, यानी कि क्या होता है, मेल पुरुष होता है, उसको कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर। ओके, एंड वर्ड्स विच शो इफ अ पर्सन और एन एनिमल इज फीमेल आर सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर। और जो वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि ये फीमेल है, फीमेल पर्सन है या फीमेल एनिमल है, फीमेल मतलब स्त्री, ठीक है, तो वो होते हैं फेमिनिन जेंडर्स के वर्ड्स। ओके, आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। मैस्कुलिन का मतलब मेल जेंडर और फेमिनिन फीमेल जेंडर। ओके, सो यहाँ पर तीन तरह के जेंडर्स दिए हुए हैं बच्चों, मैस्कुलिन आपको पता है मेल जेंडर, फेमिनिन आपको पता है फीमेल जेंडर, और न्यूटर जेंडर हम कहते हैं जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट, मतलब के जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे ये चेयर है या ये पेन है, तो ये क्या है, पेन, न्यूटर जेंडर। ओके, बिकॉज इसमें मेल फीमेल का तो कोई हो ही नहीं सकता कि मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है और इसमें लाइफ भी नहीं है, तो ये हो गया न्यूटर जेंडर। ओके, सो मेल नाउन्स आर कॉल्ड मैस्कुलिन नाउन्स और फीमेल नाउन्स आर कॉल्ड फेमिनिन नाउन्स। तो जो मेल नाउन होते हैं वो कहलाते हैं मैस्कुलिन नाउन और जो फीमेल नाउन होते हैं वो कहलाते हैं फेमिनिन नाउन। चलिए आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब ये है आपके लर्न करने की चीज, क्या है यहाँ पर, हियर आर सम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, ठीक है। अब यहाँ पर सारे मेल नाउन लिखे हुए हैं मैस्कुलिन, और यहाँ पर भी मैस्कुलिन, और इनके साथ में दिए हुए हैं इनके फेमिनिन नाउन्स। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। बॉय, बॉय मतलब लड़का, और उसको अगर हम फीमेल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, अंकल, आंट, अंकल आंटी होते हैं ना बच्चों, अंकल है फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर और आंट है फेमिनिन जेंडर, फादर, ओके, पापा मतलब फादर, मदर, मम्मी, सन, सन का मतलब होता है बेटा, डॉटर, बेटी, किंग, क्वीन, राजा, रानी, प्रिंस, प्रिंसेस मतलब राजकुमार, राजकुमारी, राइट, लायन, शेर, लायनेस, शेरनी। चलिए आगे चलते हैं। टाइगर, टाइग्रेस, पोएट, पोएटिस, पोएट मतलब बच्चों कवि, और पोएटिस जो कवित्री होती है, जो फीमेल पोएट होती है उन्हें हम कहते हैं पोएटिस, हॉर्स, मेयर, बुल, काउ, फॉक्स, विक्सिन, पीकॉक, पीहेन, ही गॉट, शी गॉट, कॉक, हेन। तो बच्चों ये यहाँ पर आपको दिए हुए हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स, और आपको ये सारे के सारे वर्ड्स लर्न करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर किंग का हमें फेमिनिन बनाना है तो क्या होगा, क्वीन, राइट, अगर हमें फॉक्स का फेमिनिन लिखना है तो क्या होगा, विक्सन। सो प्लीज लर्न दीज ऑल नाउन्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
दिस इज एक्सरसाइज. जब आप ये लर्न कर लेंगे बच्चों तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस एक्सरसाइज को करना. सो लेट्स डू इट हियर. चलिए, राइट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउंस. ओके, अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें यहाँ पर दिए हुए हैं फेमिनिन नाउंस दिए हुए हैं, मतलब सारे फीमेल एनिमल और फीमेल पर्सन के नाउंस दिए हुए हैं. हमें यहाँ पर क्या लिखना है, मैस्कुलिन जेंडर लिखना है इनका, राइट? तो आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं और आप मेरे साथ साथ अपनी बुक में लिख भी सकते हैं. ओके, गर्ल, गर्ल का क्या हो जाएगा बच्चों, बॉय. ओके, मदर, फादर, राइट? ओके, चलिए यहां पर हेन, कॉक, क्वीन, किंग, एम्प्रेस, एम्परर. ओके, काउ, बुल. ओके, सो इस तरह से हमने यहां पर लिख दिए इनके मैस्कुलिन जेंडर्स. ओके, एंड आई वॉन्ट कि आप इन सबको लर्न करो और अपनी बुक में ऐसे ही आप मेरे साथ लिखते जाएंगे. चलिए आगे चलते हैं. चलिए अभी यहाँ पर थोड़े से और हैं हमारे पास, मेयर. अब मेयर का बच्चों क्या मतलब होता है, जो हम कहते हैं मेयर का मैस्कुलिन जेंडर होगा हॉर्स, घोड़ा, और मेयर का मतलब घोड़ी. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हॉर्स. नंबर 8 इज टाइगर, तो ये हो जाएगा टाइगर, टाइग्रेस का बन जाएगा टाइगर. अब वेट्रेस, वेट्रेस का क्या बनेगा, वेटर. ओके, डॉटर, सन, राइट? चलिए आगे चलते हैं. राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउंस. अब आपको इन सब के फेमिनिन जेंडर लिखने हैं. अभी हमने क्या लिखे थे, मैस्कुलिन जेंडर लिखे थे, राइट? उनका मेल जेंडर लिखा था. अब यहाँ पर आपको सारे ये मेल जेंडर्स दिए हुए हैं, आपको इनका फीमेल जेंडर लिखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ही गॉट, क्या हो जाएगा बच्चों, शी गॉट. ओके, लायन, लायनेस. चलिए आप मेरे साथ साथ लिखिए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पीकॉक, पीहन, नेफ्यू, नीस. ओके, हॉस्ट, हॉस्टेस, अंकल, आंट, विजार्ड, विच. विजार्ड का हो गया बच्चों विच, प्रिंस, प्रिंसेस. और फॉक्स का हो जाएगा विक्सन. ओके, सो प्लीज आप ये मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. ओके, और आपको इन्हें बच्चों लर्न भी जरूर करना है, ऐसा नहीं होगा कि आप लर्न नहीं करेंगे. चलिए अब हमारे पास में यहाँ पर सी एक्सरसाइज, इसमें हमने क्या करना है बच्चों, अंडरलाइन ऑल द नाउंस इन द न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर मैंने बताया जिसमें लाइफ नहीं होती, लेकिन उसका नाम तो होता है ना, तो वो नाउन है, लेकिन उसमें क्या नहीं है, लाइफ नहीं है. तो हमने इसमें अंडरलाइन करना है न्यूटर जेंडर को इस पोयम में. ओके, तो चलिए. ऑरेंजेस एंड लेमन्स सोल्ड फॉर अ पेनी, ऑल द स्कूल गर्ल्स आर सो मैनी, द ग्रास इज सो ग्रीन एंड द रोज इज सो रेड, रिमेंबर मी वेन यू गो टू बेड. तो इसमें जितने भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती, वो होंगे हमारे न्यूटर जेंडर. ओके, सो ऑरेंजेस, राइट, लेमन्स, पेनी, राइट, ऑरेंजेस, ऑल द स्कूल गर्ल्स. अब स्कूल गर्ल्स, ये तो गर्ल है, ये तो फेमिनिन जेंडर है, तो इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे. ओके, ग्रास, ग्रास इज अ थिंग,
और उसमें लाइफ नहीं है, राइट? सो रिमेंबर, एंड द रोज इज सो रेड, रिमेंबर मी व्हेन यू गो टू बेड, ओके? सो इस तरह से बच्चों आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, ओके? सो हमने क्या करना था इसमें, वी हैव टू अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द न्यूटर जेंडर, हमें न्यूटर जेंडर को अंडरलाइन करना था, और न्यूटर जेंडर कौन से होते हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती, ओके? सो आगे चलते हैं, यस, नाउ दिस इज प्रोवोकेशन एक्सरसाइज फॉर यू चिल्ड्रन, एंड द डी एक्सरसाइज इज रिप्लेस ईच मैस्कुलिन नाउन, यहाँ पर ये सेंटेंस दिए हुए हैं, अब हमें इन्हें क्या करना है, मैस्कुलिन नाउन को रिप्लेस करना है किससे, फेमिनिन नाउन से, मतलब जो भी मेल पर्सन या एनिमल की बात हो रही है हमें उसे चेंज कर देना है बच्चों फीमेल पर्सन या एनिमल में, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे बच्चों। अगर आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर आप लर्न कर लोगे, जो सबसे पहले मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, तो ये आपके लिए करना बहुत इजी हो जाएगा, ओके? सो प्लीज लर्न ऑल मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स, ठीक है? चलिए, द बॉयज वेट फॉर देयर फादर, अब इसमें मैस्कुलिन जेंडर कौन कौन सा है, कौन बताएगा मुझे, द बॉयज, बॉयज क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, वेट फॉर देयर फादर, फादर भी मैस्कुलिन जेंडर है, अब हमें अगर इन्हें रिप्लेस करना है तो हम कैसे लिखेंगे, द गर्ल्स, ओके, द गर्ल्स वेट फॉर देयर, अब फादर का क्या हो जाएगा, मदर, ओके? सिंपल है ना, इजी, इस तरह से हम इन सबको चेंज कर देंगे। चलिए मैं आपको यहीं पर करके दिखाती हूँ, माई ब्रदर वॉन एन अवार्ड फॉर हिज पोएम्स, अब माई ब्रदर, ब्रदर को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रदर की जगह सिस्टर, माई सिस्टर वॉन एन अवार्ड फॉर हिज, हटा देंगे क्योंकि हिज हम यूज करते हैं मेल के लिए, और अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, हर, माई सिस्टर won an award for her poems, okay? Sir, may I come in? अब सर का क्या हो जाएगा, अगर हम फीमेल करेंगे मैडम, ओके, मैडम may I come in, okay? चलिए, द बुल वॉज वेरी फायर्स, अब बुल की जगह क्या हो जाएगा, काउ, द काउ वॉज वेरी फायर्स, सन्स आर रूड एंड शाय, सन्स मतलब बेटे, और अगर हम उसका फीमेल लिखेंगे नाउन तो क्या आएगा, डॉटर्स, बेटियां, राइट? तो यहाँ पर मैं आपको स्पेलिंग लिख के दिखा रही हूँ, DAUGHTERS, daughters are rude and shy, okay? Now the emperor was a noble man, so emperor का क्या होगा यहाँ पर, empress, okay? Empress was a noble woman, अगर बच्चों हम यही छोड़ देंगे लिख के the empress was a noble man तो ये गलत हो जाएगा, okay? Sentence भी गलत हो जाएगा, प्लस आपने मैन वाले की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज मैन भी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो हम लिखेंगे द एम्प्रेस वॉज अ नोबल वुमेन, द टाइगर वॉज ब्लॉकिंग द रोड, सो द टाइग्रेस, ओके, द टाइग्रेस वॉज ब्लॉकिंग द रोड, दिस इरिटेटेड माई अंकल वेरी मच, सो अंकल को क्या कर देंगे हम यहाँ पर, आंट, ओके, एक बारी दोबारा से स्पेलिंग बता देती हूँ, AUNT, दिस इरिटेटेड माय आंट वेरी मच, ओके? सो आप इसको मेरे साथ साथ करें, आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, इसमें मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन से रिप्लेस करना है, और जहां पर जरूरत हो, जैसे यहाँ पर हिज नहीं आ सकता फेमिनिन जेंडर के साथ, तो हमने क्या कर दिया इसे, हर, ठीक है? तो जहां भी नेसेसरी चेंजेस करने होंगे वो हम कर देते हैं, ओके? सो प्लीज आप इस एक्सरसाइज को करेंगे अपनी नोटबुक में या बुक में,
और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को लर्न करने की। तो आपकी बुक में जो भी आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन की लिस्ट दी हुई है, प्लीज आप उनको लर्न करेंगे और इस तरह से आप उनको इजीली कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।